Welcome back to another new lesson or today's topic related to linguistics. In this lesson, we will discuss design features of human language by Hawking. The first one is Vocal Auditory Channel. It's mean the way vocal signals can be used to produce language. यानी कि वोकल ऑडिटरी चैनल ह्यूमन लैंग्वेज का एक ऐसा फीचर है जिसमें कि एक शख्स बोलता है यानी वो उसके वोकल चैनल से रिलेटेड है और दूसरा सुनता है यानी कि हयरिंग ऑडिटरी चैनल से रिलेटेड है जब भी कोई इंसान बोलता है और दूसरा इंसान उस चीज़ को वो मैसेज को रिसीव करता है तो ये हमारे पास वोकल ऑडिटरी चैनल कहलाता है द नेक्स्ट वन इज़ ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन इट्स मीन डायरेक्शनल रिसेप्शन मैसेज कोज आउट इन आर डायरेक्शंस यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज के पास ये करैक्टरिस्टिक्स हैं कि वो किसी भी डायरेक्शन से आने वाले साउंड को पहचान सकते हैं कि ये मैसेज या कोई भी बात जो उनको कन्वे की जा रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है यानी कि अगर हम एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स को देखें तो वो इस चीज़ का एस्टिमेट नहीं कर सकते कि जो साउंड है वो किस तरफ से आ रहा है लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज में या इंसानों के पास ये खसूसियत होती है कि वो किसी भी साउंड को वो किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हो वो उसको पहचान सकते हैं ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन जो कि ह्यूमन लैंग्वेज की एक करेक्टरिस्टिक्स यानी कि फ़ीचर्स है द नेक्स्ट वन इज़ रैपिड फीडिंग रैपिड फीडिंग का मतलब होता है मैसेज इज एंड डज नॉट परसिस्ट यानी कि जब कोई भी एक मैसेज किसी भी पर्सन के थ्रू कन्वे किया जाता है तो वो उसकी अट्रेंस के बाद फौरी ख़त्म हो जाता है यानी कि जब एक इंसान स्पीकर ने कोई भी मैसेज दिया तो लिसनर के सुनने तक वो मैसेज ख़त्म हो जाता है यानी कि ये परसिस्ट नहीं रहता ये मुस्तकिल नहीं रहता इसको हम रैपिड फीडिंग कहते हैं यानी कि मैसेज कन्वे करने के बाद वो मैसेज ख़त्म हो जाता है द नेक्स्ट वन हमारे पास है इंटरचेंजेबिलिटी इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता है इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं कि ट्रांसमीटर्स कैन बिकम रिसीवर एंड वॉइस वर्ड्सा वी कैन ईच रिपीट रिपीट एनी मैसेज यानी कि इंटरचेंजबिलिटी की जो एबिलिटी होती है वह ह्यूमन लैंग्वेज में पाई जाती है कि एक लिसनर जो हैं वो रिसीवर भी बन सकता है और स्पीकर भी यानी कि अगर हम एनिमल्स में देखें या बिंगस में तो या तो वह सिर्फ मैसेज दे सकते हैं या सुन सकते हैं लेकिन एक ह्यूमन लैंग्वेज में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो मैसेज को सुन भी सकते हैं और उसको कन्वे भी कर सकते हैं इट्स मीन वाइस वर्सा द नेक्स्ट टोटल फीडबैक टोटल फीडबैक का मतलब होता है वी हेयर ऑल डैट वई से यानी कि हम सुन भी सकते हैं और हर चीज़ को उसको आंसर भी दे सकते हैं यानी कि अगर हमने किसी भी स्पीकर का कोई मैसेज सुना है हम यानी कि हम बोल भी सकते हैं एट ए टाइम और उसके साथ साथ हम लिसनिंग भी कर सकते हैं ये एबिलिटी ह्यूमन लैंग्वेज में ही पाई जाती है यानी कि एक टाइम पर हम लिसनर भी बन सकते हैं और स्पीकर भी बन सकते हैं नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है स्पेशलाइजेशन वई कम्युनिकेट जस्ट फॉर द परपज़ ऑफ कम्युनिकेटिंग यानी कि हम हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज में ये एक फ़ीचर मौजूद है कि हम अपनी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में यानी कि हमारी लैंग्वेज इतनी वास्ट है कि हम इसको किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं द नेक्स्ट ऑफ है स्मेंटिसिटी स्मेंटिसिटी का मतलब होता है कि सिम्बल्स यानी कि जो हमारे पास लैंग्वेज के सिम्बल्स हैं लाइक फ़नीम मौफीम वगैरह पर्टिकुलर मैसेज जो है वो इनका नहीं होता लेकिन जब भी हम इसको एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं तो वो एक मीनिंग कन्वे करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि सिमेंटिक का मतलब होता है ये हमारे मीनिंग से रिलेटेड होता है इट्स मीन के जो हमारे पास सिंबल हैं वो एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे कर सकते हैं नेक्स्ट है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ह्यूमन लैंग्वेज का फीचर है आर्बिट्रेरिनेस आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है सिम्बल्स और आर्बिट्रेरी यानी कि हमने किसी भी चीज़ को कोई नाम दिया है लाइक डोर ट्री कैट वगैरह इनके जो सिंबल्स हैं यानी कि इनकी जो फ़िज़िकल अपेरेंस हैं और इनके जो नेम हैं वो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है कि इनको ये नेम इनके फ़िज़िकल अपेयरेंस से दी गई हैं हम किसी भी कैट को ट्री भी कह सकते हैं किसी भी ट्री को कैट कह सकते हैं कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि इन चीज़ों को ये नाम क्यों दिए गए हैं एक्सेप्ट उनोमोटोपिया अनोमोटोपिया ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको उनके साउंड के साथ वर्ड्स असाइन किए जाते हैं जैसे कि स्प्लैश क्रश वग़ैरह लेकिन जो आर्बिट्रेरिनेस होती है उसका मतलब यही होता है कि जो सिंबल्स हैं यानी कि जो चीज़ें हमारे पास हैं इनको उनके नेम उनके फ़िज़िकल अपेयरेंस के अकॉर्डिंग नहीं दिए गए जस्ट उनको ये नेम दिए गए इनके दरमियान में कोई भी लॉजिक नहीं है द नेक्स्ट है डिस्क्रीटनेस डिस्क्रीटनेस का मतलब होता है सिंबल्स आर मेड बाय कंबाइनिंग स्मॉलर सिंबल्स यानी कि लाइक टेफ़र जैसे कि जैक डिडी डिडा का एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंस जिस जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि वर्ड्स जो हैं या तो उनके एंड पे हम उसको डिले कर सकते हैं और स्टार्टिंग में हम उनको चेंज करके उसके मीनिंग को चेंज कर सकते हैं जिसको इन्होंने फर्दर डिफ़र एंड डेफर में डिवाइड किया था सेम इसी तरह डिस्क्रीटनेस भी एक ह्यूमन लैंग्वेज का फीचर्स है कि अगर आप एक वर्ड को चेंज करते रहेंगे लाइक बिन पिन इनके स्टार्टिंग वर्ड को चेंज करते हैं तो इसके मीनिंग में जो फ़र्क आता है इसको हम डिस्क्रीटनेस कहते हैं यानी कि आप स्मॉलर सिंबल्स को जब चेंज करते जाएंगे तो उनके मीनिंग भी चेंज होते रहेंगे नेक्स्ट है ड्यूलिटी ऑफ पैटर्निंग ड्यूलिटी ऑफ पैटर्निंग का मतलब होता है द स्मॉलर सिम्बल्स यानी कि लाइक पी आई टी जो भी हैं यानी कि जो हमारे पास लेटर हैं ये एक सिंगल मीनिंग नहीं रखते यानी कि इनको हम अलग कोई भी मीनिंग नहीं दे सकते लेकिन जब हम इन वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जॉइन कर देंगे लाइक पी आई टी अगर ये सेपरेट हों तो इनका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये पी आई टी पिट जिस टी आई एंड पी इसी तरह हम टिप इसको मिलाकर ये एक वर्ड बना सकते हैं इससे हमारा वर्ड चेंज हो जाएगा यानी कि ड्यूलिटी ऑफ पैटर्निंग एक लेटर के अंदर ये खसूसियत होती है कि जब आप उसको किसी पैटर्न के साथ अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हर सेंटेंस में अपना मीनिंग चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द नेक्स्ट ऑफ है डिसमेंट डिसप्लेसमेंट वी कैन टॉक अबाउट समथिंग नॉट इमीडिएटली प्रजेंट यानी कि हम इंसानों के पास ये खसूसियत होती है कि वो अपने पास्ट और फ्यूचर यानी कि जो चीज़ उनसे गुज़र गई और जो आने वाली है वो उसके बारे में बात कर सकते हैं लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके पास ये खसूसियत नहीं होती कि वो अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट में बात कर सकें लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि ह्यूमन के पास ये खसूसियत होती है कि वो किसी भी सिचुएशन को या तो वो पास्ट में गुज़र चुकी हो या फर्दर आगे फ्यूचर में आने वाली हो उस चीज़ के बारे में वो प्रेजेंट टाइम में बात कर सकते हैं द नेक्स्ट हमारे पास जो है प्री वेरिक्री वेरिकेशन प्री वेरिकेशन कहते हैं We can say things that are false, यानी कि human के पास ये खसूसियत होती है कि वो किसी भी language या किसी भी message को mold कर सकते हैं according to situation उसको change कर सकते हैं या, यानी कि closely related to falsehood, यानी कि इंसानों के पास ये खसूसियत होती है कि वो किसी भी मैसेज को छुपा सकते हैं या तो उसको किसी गलत तरीके से बयान कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स के पास ये खसूसियत नहीं होती कि वो किसी भी मैसेज को चेंज करके आगे कन्वे कर सके इस चीज़ को हम प्री वेरिकेशन कहते हैं द नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है नॉवल अट्रेंस कैन बी मेड एंड अंडरस्टूड यानी कि आप किसी भी मैसेज को सुन रहे हैं या बोल रहे हैं आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ सुन रहे हैं इंसानों के पास ये खसूसियत होती है कि वो किसी भी मैसेज को सुनने या समझने की सलाहियत रखते हैं द नेक्स्ट ऑफ इज़ ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन इट्स मीन लैंग्वेजेस आर लर्न बाय सोसाइटी यानी कि हम सोशली डिफरेंट लैंग्वेज़ को सीखने की सलाहियत रखते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स यानी कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज बाई बर्थ सीखने की सलाहियत रखते हैं लेकिन कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे हम इस चीज़ को हम अपनी सोसाइटी से ही लर्न करते हैं यानी थ्रू ट्रेडिशनल हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं यानी कल्चरली सोसाइटी में हमारी डिफ़रेंट लैंग्वेजेस मौजूद होती हैं लेकिन अगर हम एक ही लैंग्वेज सीखने की सलाहियत रखते होते जैसे कि बीन्स या एनिमल्स में होता है तो आज हमारी सोसाइटी में सिर्फ़ एक लैंग्वेज होती लेकिन हम लैंग्वेज को सोसाइटी के थ्रू सीखते हैं इसको हम ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन कहते हैं यानी कल्चर के थ्रू किसी भी लैंग्वेज को सीखना नेक्स्ट हमारे पास जो ह्यूमन लैंग्वेज का फीचर है लर्न एबिलिटी वी कैन लर्न न्यू लैंग्वेजेस, यानी कि ह्यूमन के पास ये एबिलिटी होती हैं कि वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने की सलाहियत रखते हैं हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं लेकिन एनिमल्स में ये एबिलिटी मौजूद नहीं होती हम या तो कोई भी लैंग्वेज चाइल्डहुड से सीख सकते हैं या फिर बाद में लेकिन इंसानों के पास ये खसूसियत मौजूद है कि वो अपनी ज़बान के ज़रिए कोई दूसरी ज़बान सीखने की सलाहियत रखते हैं लास्ट वन हमारे पास है रिफ्लेक्सिवनेस रिफ्लेक्सिव रिफ़्लैक्सिवनेस uh, का मतलब होता है वी कैन यूज़ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज यानी कि हम किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात करने के लिए अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं यानी कि अगर हमने पर्शियन या इटालियन लैंग्वेज के बारे में बात करनी है तो हम इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं यानी कि हमारे जो नाउन एग्जैक्टिव सेंटेंसेस हैं वो यूज़ करके यानी उसको हम रिफ्लेक्स करके किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हैं या तो अपनी लैंग्वेज में के बारे में या किसी और लैंग्वेज के बारे में ये कुछ डिज़ाइन फीचर्स थे जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब भी हमें एनिमल और ह्यूमन लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना होता है डिफ्रेंशिएट करना होता है तो हम ये हॉकेट के ही 16 डिज़ाइन फ़ीचर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि लंग्विस्टिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं